हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्टो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग रियल स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है ये स्टॉक। एक इनसाइड बार कैंडल का भी फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम में हुआ है। अभी आपकी एंट्री का होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, आपका टारगेट का होना चाहिए, वो देखते हैं। पहली चीज, जब भी मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर आपका मदर कैंडल का जो हाई है 460 का, वहां पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। चाइल्ड कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 354 के पास, और टारगेट मिनिमम आपका कितना होना चाहिए अपसाइड पे वो देखते हैं। जितने भी यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस चाइल्ड कैंडल से निकल के आ रहा है, उतना भी अपसाइड पे आपका टारगेट होना चाहिए जो 103 पॉइंट्स का निकल के आ रहा है। यहाँ से अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो आपका 103 पॉइंट जो है, उतना तो भी टारगेट आपका मिनिमम यहाँ से होना चाहिए जो कि 460 के पास निकल के आ रहा है। अभी हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और दूसरी एंट्रीज भी देख लेते हैं। 461 आपका जो है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक एंट्री मिल गई। दूसरी, अगर वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर पे मूव कर रहा है स्टॉक। अपसाइड पे ब्रेकआउट देगा तो कंसोलिडेशन बॉक्स जितना भी होता है अपन उसका जो है टारगेट मिनिमम प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कंसोलिडेशन बॉक्स क्लियर कट दिख जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 वीक 6 वीक से कंटिन्यूअसली एक ही प्राइस बैंड के अंदर मूव कर रहा है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन बॉक्स का हाई ब्रेक करेगा तो अपसाइड पे मिनिमम जितना भी टारगेट है यहाँ पर, अगर कंसोलिडेशन बॉक्स देखे तो 113 पॉइंट्स का है, तो आपका जो सेकंड टारगेट है यहाँ से 113 पॉइंट्स का तो भी निकल के आ रहा है, जो आपका एग्जैक्टली यही पॉइंट से 10 रुपए और ऊपर जाके आपको दूसरा टारगेट यहाँ पर प्लान करेगा। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें, दूसरा टारगेट आपका ये हो गया। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था, एक रिवर्सल कैंडल का भी फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट हुआ है बहुत अच्छा। अभी अपसाइड पे ये मूव कर रहा है। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये अभी अपने ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है, और ट्रेंड लाइन के पास ही इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग भी दिया है। इट मीन्स अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका रहता है तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि वो ब्रेकआउट होने हो सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलिंग आई तो सेकंड टाइम इसी ट्रेंड लाइन को जब ये टेस्ट करने गया तो पता चला कि एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर एक और रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, जो रिवर्सल अपसाइड के लिए होता है। डबल बॉटम का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये इसका लेफ्ट वाला बॉटम है, ये इसका नेक लाइन है, ये इसका राइट बॉटम है। नेकलाइन को ब्रेक करते से एंट्री होती है, प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस होता है, और अपसाइड पे टारगेट जो है जितना भी ये प्रोजेक्शन पॉइंट होते हैं बॉटम से लेके नेकलाइन का, उतना हम यहाँ पे टारगेट जो है लेते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 50 रुपीज का आपका निकल के आ रहा है। तो जैसी ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई थी तो अपसाइड के लिए जो हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 50 रुपीज का टारगेट अगर आप लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो आपका ऑल टाइम हाई है उसके पास से निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास निकल के आ रहा है, जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अभी आपकी एग्जैक्टली एंट्री का होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए और आपका टारगेट का होना चाहिए। अभी अगर आप इस स्टॉक में एंटर करते हैं तो आपका जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पर, जो कि एग्जैक्टली 370 के पास निकल के आ रहा है, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 417 से लेके 425 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए, और अपसाइड पे टारगेट तो जो हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया था ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके मिनिमम जितने भी स्टॉप लॉस के पॉइंट्स यहाँ पर आप बनाकर रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 470 से लेके आपका 416 के पास 45 रुपीज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपकी एंट्री निकल के आ रही है, स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो मिनिमम टारगेट जो है आपको 90 रुपीज का तो भी यहाँ से लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देख रहे हैं तो पहला टारगेट आपका 509 है, दूसरा टारगेट आपका 560 है, और तीसरा टारगेट जो है 574 के पास आपका निकल के आ रहा है। स्टॉक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हैमर कैंडल का भी फॉर्मेशन यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, इनसाइड बार कैंडल का भी फॉर्मेशन दिख रहा है। बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के पॉइंट्स भी मैंने आपको अंदर पे बताया, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में। अगर आपको प्राइस एक्शन के पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।